ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय पहलवान बीते कई महीनों से कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं और अब गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जंतर मंतर पर कई महीने विरोध दर्शन करने के बाद बैठे तमाम पहलवान को 28 मई को पुलिस ने गिरफ्तार कर जंतर मंतर से हटा दिया। सभी पहलवान हरिद्वार पर अपने मेडल्स को गंगा नदी में बहाने का फैसला लिया था, लेकिन नरेश टिकैत ने समझा बुझाकर उन मेडल्स को खुद के पास रख लिया है। अभी आरोपों के बीच यौन शोषण का शिकार हुई पीड़िता के पिता ने बेटी को न्याय दिलाने की मांग की है। आपको बताते चले कि महिला पहलवान जिस नाबालिग के साथ हुए यौन शोषण का आरोप लगाते हुए बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की है, उसके पिता अब सामने आ चुके हैं। सोमवार को खुद ही पीड़िता के चाचा बताकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शख्स ने महिला पहलवान को बालिग बताया था। अब पिता ने बयान देते हुए कहा है कि उनकी बेटी का कहना है कि बेटी नाबालिग है, वो इस साल दिसंबर 2023 में 17 साल की होने वाली है। एक कैंप के दौरान वो 16 साल की थी जब उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था। मेरा विनेश फोगाट और साक्षी मलिक से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ अपनी बेटी को न्याय दिलवाना चाहता हूं, मैं इस लड़ाई को लड़ना चाहता हूं और मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है कि वो उसे न्याय दिलवा कर रहेंगे। लड़की के पिता ने बताया कि वो दो बेटी और एक बेटा के पिता है। उनकी बड़ी बेटी की 2 साल की उम्र में ही निधन हो गया था और उसी के नाम पर छोटी बेटी का नाम रखा गया था। दूसरी बेटी नाबालिग है और पहलवानी करती है। तकरीबन 2 साल पहले उसे किसी जगह पर कैंप के दौरान बेटी के साथ यौन उत्पीड़न हुआ, उस वक्त उसकी उम्र महज 16 साल की थी। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इस मामले को पर बोलने में उनमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन अब वो हिम्मत आ चुकी है और अब वो अपनी बेटी के इंसाफ के लिए इस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। पीड़िता के पिता ने कहा कि अब मेरी बेटी ने उनके साथ इस पूरे मामले से उन्हें अवगत करवाया, पुलिस भी अब इस बयान को दर्ज कर ले। मेरे इस कदम के बाद दिल्ली पुलिस आखिर क्या फैसला लेगी, ये बड़ा फैसला है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि मेरे इस कदम के बाद दिल्ली पुलिस ने रोहतक आकर पूछताछ की और बेटी ने अपने बयान को अदालत में दोहराने का फैसला भी लिया। जो आंदोलन इस वक्त विनेश फोगाट और साक्षी मलिक कर रहे हैं उससे उनका कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पर उन्हें पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन उनकी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा और जो गुनहगार है उसे सजा जरूर मिलेगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।